गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सबको। मैं हूँ जिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइको जिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन की शुरुआत। आज है तारीख 16 मई 2020। आज हमें जाना है रिजर्वेशन के लिए क्योंकि कल निकलना है श्री माता वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए। कल हम घूमने जाएंगे तो रिजर्वेशन अभी हुआ नहीं है, तत्काल में रिजर्वेशन कराएंगे। तो कुछ लोग काउंटर से जाएंगे, जैसे कि मैं और अभिषेक काउंटर पे जा रहे हैं और बाकी एक बंदा और है वो ऑनलाइन देखेगा 11 बजे से, जिसको मिल जाए। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं के 8 बज रहे हैं, मैं अभी अभी उठा हूँ। तो देखते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है। वैसे ट्रेनों में रिजर्वेशन अभी है नहीं, खासतौर पर पहाड़ों साइड में, क्योंकि रिसेंटली मैं अभी ऋषिकेश से आया हूँ, ऋषिकेश हरिद्वार से। तो बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है, फिर भी देखते हैं। ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं। ये रही हमारी चाय और थोड़ा सा कुछ खाता हूँ। अब वो जो बाहर बैठी थी ना, ये फीमेल डॉग है, यहीं गैलरी में बैठी रहती है। इसकी एक्चुअली उम्र बहुत हो गई है, 10 साल, यानी लोग बताते हैं 10 साल तो उन्हीं के सामने हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा की है। इसलिए अब उससे बहुत कुछ खाया नहीं जाता, और यानी लोग जितना हो सके उसको ध्यान तो देते हैं, लेकिन बाकी बैठी रहती है, वो पानी रखते हैं, खाना देते हैं, सब लोग दे देते हैं। जो चलिए फटाफट मैं नाश्ता करता हूँ और फिर उसके बाद हमें चलना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि पहले था हबीबगंज। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, फिलहाल तो समय नहीं है, रिजर्वेशन करें। भीड़ हो रही है, भीड़। भूख लग रही है, टिकट नहीं हुआ, कांड हो गया। अब क्या हुआ वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर से घर पहुँच के, गर्मी हो रही है। अभी खा रहे हैं हम इडली वड़ा और एक और यार चने जैसा एक वड़ा है, दाल वड़ा सांभर के साथ, दाल वड़ा मस्त बना है। एमपी नगर में कौन सा है यार, ये सिटी मल्टी हॉस्पिटल के बगल में ही है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, बढ़िया है। इस साइड आओ तो ट्राई करो एक बार। तो भैया बताता हूँ क्या हुआ। एक तो गर्मी बहुत हो रही है बाहर, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम गए बड़े अच्छे से यहाँ से, तो अभिषेक भाई लगे थे लाइन में तत्काल काउंटर की, तो 11:15 वो खुला और मैं था ऑनलाइन। क्या हुआ, जब उसका नंबर आया अभिषेक का तो डिस्प्ले में दिखाया कि अवेलेबल 30, और मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका था, बस मुझे पेमेंट करना बाकी रह गया था। अगर मैं वो उस टाइम पे कर देता तो मेरा टिकट हो जाता, लेकिन मुझे डिस्प्ले में दिखा और अभिषेक ने भी बोला कि रहने दो आप, हो जाएगा यहाँ से, और डिस्प्ले में अवेलेबल 30 दिखा, तो मैं बोला चलो हो गया। तो मैंने वो ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया ऑनलाइन वाला, IRCTC वाला। जैसे ही उसने
क्या बोलते हैं, वहाँ पता नहीं पहले अवेलेबल दिखा रहा था, और विदिन यानी 3 सेकंड के बाद ही एकदम से वो 6 7 8 वेटिंग पहुंच गया। बोला अरे यार ये क्या हो गया। मैं बोला भाई वेटिंग में नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। तो उसने अभिषेक ने भी कैंसिल कर, फिर मैंने क्या उसको मिनिमाइज कर दिया था टैब को, फिर मैंने टैब खोला पेमेंट किया, फिर वो पैसे तो कट गए लेकिन टिकट फेल्ड हो गया, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। वही है तो टिकट हुआ ही। फिर उसके बाद हम वहीं बैठे रहे, देखते रहे। मोनिश भी वहाँ से लगा हुआ था इंदौर से ही, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ हुआ ही नहीं। हम तीनों को टिकट नहीं मिली। तो भैया हमने फाइनली क्योंकि यात्रा पर्ची भी नहीं मिल रही है आगे की, तो अभी हमने ये प्लान वैष्णो देवी जाने का पोस्टपोन कर दिया। अब अगले महीने में जाएंगे, 17 तारीख की अभी है अवेलेबल, तो 17 तारीख के करते हैं। आने जाने का पहले कराएं टिकट, का यात्रा पर्ची भी मिल जाएगी 17। तो भैया सो के उठाऊँ मैं अभी, सो के यानी उठा अभी थोड़ी देर पहले उठाऊँ, ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ, इतने दिन हो गए कोई एक्सरसाइज भी नहीं हुई है, और पता नहीं बहुत कमज़ोरी टाइप की भी आ रही है गर्मी की वजह से शायद। तो बस अब अभिषेक के यहाँ जाता हूँ, वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं कैसा क्या करना है, कब का रिजर्वेशन करवाना है। सारा दिन खराब। क्या खा रहे? बेल खा। बेल खाइए बैठ के टाइम पास, गर्मी भयानक हो रही है। गर्म वाला भी है। अरे ये आए हुए। चलो भैया प्लान हो गया पोस्टपोन, 17 तारीख को जाएंगे अब नेक्स्ट मंथ में। टिकट करवा, वंदे भारत से जाएंगे, मजे तो ले वंदे भारत के। तो भैया वीडियो चलो आज का यहीं एंड करते हैं। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो गया 11 11 बजे, 11 बज गए हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं, ये पहला व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लोड़े लग गए। और टिकट के तो लग गए आज, कोई बात नहीं भाई, कुछ अच्छा होना होगा इसलिए बुरा होता है कभी कभी, है ना। हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है लेकिन कुछ अच्छा होना होगा इसीलिए होता है। तो कुछ अच्छा होना, देखो वंदे भारत से जाएंगे, अब आज चले गए होते तो स्लीपर में जा रहे होते, है ना, कल। तो देखो आप वंदे भारत से जाएंगे इसीलिए। तो ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं इसी के साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, है ना, चाओ।